यार देखो यार, अब अल्लाह ही हराए तो हराए आपको, जी मुझे तो आप हारते हुए नजर नहीं आते। जी अगर आप ही किस्मत में अगर हारना लिखा है तो ये कोई रोक नहीं सकता। अगर आपकी जैसे टीम है आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता, ये बड़ी सिंपल सी बात। लेकिन जिस तरह आज ऑस्ट्रेलिया खेला है, पता नहीं क्यों मुझे तो ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ना भले ही 8वां लगातार मैच जीता हो, कमजोर रहा है। बॉलिंग उन्होंने ठीक ठाक की, पबुमा ने बहुत बड़ी गलती की, साउथ अफ्रीका ने फिर से चोक किया और डर गए। अगर वो इतनी ओवरकास्ट कंडीशंस में जहां बरसात भी होनी है, 2 बजे फ्लडलाइट जली हुई है, ये कहते हैं कि जी हम बैटिंग अपनी ताकत पे कर रहे हैं, और ताकत पे बैटिंग नहीं कर रहे थे, वो डर गए थे। So, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं फाइनल्स में इंडिया के खिलाफ, देखिए इंडिया के पास तो क्लियर एज होगा, स्पिनर्स भी अच्छे हैं, स्पिनर भी अच्छे हैं, वो स्पिनर को अच्छा भी खेलते हैं, और उसके बाद जो है वो तेज बॉलर को भी अच्छा खेलते हैं, और जिस जिस तरह उनके बॉलर जो हैं वो बॉल कर रहे हैं तो वो तो क्लियर कट लग रहा है कि इंडिया विल बी द फेवरेट। अभी कल आपने शामी का इंटरव्यू सुनना था, क्योंकि मैं बड़े शौक से लोगों की बात सुनता हूँ सीखने की नज़र से। उसने एक बात की, उसने कहा आई वॉज वेटिंग ऑन अ बेंच एंड आई वॉज नॉट प्लेइंग वाइट बॉल क्रिकेट। ये उसने कहा है कि मुझे वाइट बॉल में चांस नहीं मिल रहा था तो मैं वेट कर रहा था अपनी ऑप्शन पे। जब मुझे चांस मिला तो मैंने पता क्या किया, मुझे ये पता चला कि आई हैव टू रिमेंबर माई स्ट्रेंथ, और उसकी स्ट्रेंथ पता क्या थी, कमिंग बैक लाइन लेंथ। ये मेंटल स्ट्रेंथ की जो बात करते हैं ना, मेंटल स्ट्रेंथ उस बंदे की होती है जो मैच खेलने से पहले जिसको मौका नहीं मिला और मौका मिला है उसको अपनी मेमोरीज का पता था कि मुझे सक्सेस मिलनी है तो ये मेरी स्ट्रेंथ है, लाइन लेंथ, लाइन लेंथ एंड लाइन लेंथ। लेकिन फिर वही बात, ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर वल्नरेबल है। हाँ हम ये कहेंगे यार मैक्सवेल ने वो 201 बनाए थे, वहां भी याद कीजिए, वहां पर भी याद कीजिए कि कैसे वो फंस गए थे। वो तो मैक्सवेल एक ब्लाइंडर खेल गए, बट मैक्सवेल का भी ये है दोस्तों, विकेट थोड़ा सीधा होगा ना, अच्छा विकेट होगा तो वो फिर मारते बहुत हैं और लंबा मारते हैं, लेकिन जहां पर गेंद थोड़ा ग्रिप करेगा, गेंद टर्न करेगा, गेंद बाउंस करेगा, उनकी शॉटें भी लिमिटेड हो जाती हैं। वो भी बस फिर उसके बाद मारने की कोशिश करते हैं, स्वीप मार दूं, रिवर्स स्वीप मार दूं, लग गई नहीं तो चलो जी। तो यही मुझे लग रहा है कि इंडिया को एक्सप्लॉइट करना है। अब बड़ा सवाल यह आ जाता है कि अहमदाबाद में जो विकेट है भाई वो पाटा तो नहीं ही होगी, मुंबई में भी भले 730 रन बने लेकिन स्पिनर को मदद तो मिली ना, और अहमदाबाद में भी ये होगा ही होगा, आपको वहां पर भी ऐसा ही विकेट फाइनल में मिलेगा जहां गेंद थोड़ा टर्न करेगा, शायद उतना नहीं जितना ईडन गार्डन्स में आज हुआ लेकिन गेंद टर्न करेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि इंडिया समझ तो गया है कि भाई इनकी बैटिंग जिस दिन चलेगी तो ये बना देंगे 400 रन, लेकिन जिस दिन ये दबाव को हैंडल नहीं कर पाएंगे ये 250 से नीचे भी रह सकते हैं। स्टीव स्मिथ ने आज जो बैटिंग की, ठीक है मैच बनाया, जो शॉट उन्होंने खेला, लबुशन ऑनेस्टली मतलब लगता ही नहीं है कि वो वर्ल्ड कप फाइनल जिता सकते हैं। हां उनके जो 1-2-3 हैं, भले वो ट्रेविस हेड हो, डेविड वार्नर हो, मिचेल मार्श हो, जिस दिन ऑस्ट्रेलिया ऊपर से 2 गवा देगा ना ये रन नहीं बना पाएंगे, ये इनके लिए बड़ी दिक्कत आएगी। मैक्सवेल अच्छी विकेट पे मारते हैं, जहां पर थोड़ा गेंद फंसना शुरू हुआ वो भी फिर आड़ा तिरछा चलाना शुरू करते हैं। अब सवाल जो मैं कह रहा था वो ये है कि क्या इंडिया इनकी जो स्पिनर की दिक्कत है, जो इनकी प्रॉब्लम है, अश्विन को खिलाएंगे? अब याद कीजिए वर्ल्ड कप का पहला मैच इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में, वो तो थोड़ा विकेट भारत ने ऐसा इस्तेमाल किया जहां पर गेंद टर्न कर रहा था, भारत ने 3 स्पिनर्स खिलाए थे, अश्विन खिलाए थे, जडेजा और कुलदीप, तेज गेंदबाज 2 ही थे, बुमराह और सिराज, क्योंकि ऑलराउंडर जो भारत ने शार्दुल या फिर अश्विन की जो सोच थी, उस दिन अश्विन खेला, उसके बाद उन्होंने शार्दुल को ले आए। अश्विन ने गेंद बुरा नहीं किया था, और अश्विन का एक मनोवैज्ञानिक दबाव है, एक साइकोलॉजिकल हवा है डेविड वार्नर पे, स्टीवन स्मिथ पे, क्योंकि ये दोनों जैसे ही अश्विन को देखते हैं फंस जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास लेफ्ट हैंडर्स हैं। अब दिक्कत यह है ना कि अगर आप चाहें भी 3 स्पिनर्स खिलाने के लिए तो 2 बड़े इश्यूज है भारत के लिए। एक तो जब आप 500% श्योर हैं कि ये तो जी रैंक टर्नर है तो यहां तो 3 खिलाने हैं, वो रैंक टर्नर तो नहीं ही होगा, वो नहीं ही होगा। और दूसरी दिक्कत यह आ जाती है कि आप कौन से तेज गेंदबाज को ड्रॉप करें भाई। पहले चूंकि आपने शार्दुल स्लैश अश्विन जब आपने 15 बनाए थे तो यह सोच थी कि आपको अश्विन या शार्दुल में से एक को खिलाना, एक को बाहर बिठाना है, तो आपने अब अश्विन खिला दिया। यार हिंदुस्तान तो पूरे हिंदुस्तान ने मैच खेले हैं ना यार जी, तो
तो इंडिया पूरे हिंदुस्तान में खेल खेल के जीत के यहां तक पहुंचा है जी। अगर ये कोई कह के विकेट की मदद से पहुंचा है, टॉस की मदद से पहुंचा है, बॉल की मदद से पहुंचा है, नहीं भाई वो खेल के पहुंचे हैं, वेरी सिंपल। और कहां वो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया मुझे ये बता दें, स्प्रिंग ट्रैक पर उन्होंने परफॉर्म किया, बैटिंग ट्रैक पर उन्होंने किया, अहमदाबाद में उन्होंने किया जी। ऑफकोर्स वो अहमदाबाद को ऑस्ट्रेलिया से बेहतर जानते हैं जी, ऑफकोर्स ये बात ठीक है कि विनिंग द टॉस दे विल बी इलेक्टिंग टू बैट और मारेंगे बॉलर्स को, वो छोड़ेंगे नहीं। देखिए कहीं पे भी हिंदुस्तान 300 प्लस करता है, आई एम सॉरी ऑल इज गोना बी गॉन फॉर ऑस्ट्रेलिया। सो यही इंडिया सोच रहा होगा कि हम अहमदाबाद के विकेट को बड़ा अच्छा प्रिपेयर कर रहे होंगे, बहुत अच्छा देख रहे होंगे। कौन आपसे बेहतर जानता है, रोहित शर्मा से बेहतर या लोकल बॉयज समेत, कौन बेहतर जानता है कि इस विकेट पे होगा क्या जी। साउथ अफ्रीका तो चला गया, अब आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो जख्मी शेर की माने, जिनको हम नई फॉर्म में हम लेकर आए और उसके बाद से वो जिस तरह से गई है, इंडिया को मुश्किल टाइम देगी। देखिए हमने शुरू में भी कहा था कि ये वो वाली वो स्टफ नहीं लग रहा वर्ल्ड चैंपियन वाला, आज भी देखें जब स्पिनर्स आए हैं स्ट्रगल करती, बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने, तो अगला मैच मोस्ट लाइकली जो है इसी तरह की पिच होगी। सो अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं फाइनल्स में इंडिया के खिलाफ, देखिए इंडिया के पास तो क्लियर एज होगा, स्पिनर्स भी अच्छे हैं, स्पिनर भी अच्छे हैं, वो स्पिनर को अच्छा भी खेलते हैं और उसके बाद जो है वो तेज बॉलर को भी अच्छा खेलते हैं, और जिस तरह उनके बॉलर जो हैं वो बॉल कर रहे हैं तो वो तो क्लियर कट लग रहा है कि इंडिया फेवरेट। जो ऑस्ट्रेलिया की मिडल ऑर्डर में बैटिंग है वो इतनी कन्विंसिंग नहीं है, अगर आप उनके बैटर्स की बात करते हैं तो वो तो आके फ्री फ्लोइंग इनिंग्स खेलते हैं, अगर उनको स्टार्ट अच्छा मिलता है तो वो मोमेंटम को जो है वो आगे लेके जाते हैं, हर प्लेयर जो आके वो नेचुरल गेम खेलता है। सही कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया आके फंस जाता है जब लबोशेन आज लगा ना, लबोशेन और उनकी बात कर ले स्मिथ की, तो यहां पे आके आप फंस जाते हैं। इवन इंग्लिश वो वाला स्टफ नहीं है कि आप कहें कि ये सिंगल हैंडेडली मैच जो है एक बड़े एफर्ट के साथ जो है ऑपोजिशन से ले जाएंगे। सो ऑस्ट्रेलिया को बड़े सोच समझ के क्रिकेट खेली होगी कि हमने इसको कॉम्बैट किस तरह करना है, ये सारी सिचुएशन को जो हमारा झोल है बैलेंस में उसको हमने किस तरह इम्प्रूव करना फाइनल की। और मैं उनको ये क्रेडिट देता हूँ शमी को कि उसने बड़ी अच्छी कमबैक की और डिजर्व टू बी हीरो फॉर इंडिया। और जो आपने खामियां पूछी हैं, यू हैव टू बी अनलकी एक्चुअली, जब आपका मोमेंटम ऐसा होता है ना, आपके दो तीन प्लेयर ऊपर से गिर जाए, एक आधा गंदा रन आउट हो जाए, आपका एक बॉलर जो शमी है जसराज है ये इनको फेंटा पड़ जाए एक आध मैच में, तो ये गंदा मैच जाना इनके लिए जरूरी है टू ब्रेक दैट मोमेंटम। एट द मोमेंट आई कांट सी एनी नेगेटिविटी बिकॉज उनकी फील्डिंग का एटीट्यूड मैंने देखा है, बिल्कुल I was unbelievable, honestly. ऐसे लग रहा था कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम खेल रही है हमारे दौर की या अभी भी, जो इतनी जान मारी थी।